कहानी है एक मासूम मछली की जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वह बोल नहीं पाती थी। उसके गूंगेपन का सभी मछलियां मजाक उड़ाती थी। उस तालाब में एक और सुंदर मछली थी जो बहुत ही घमंडी थी। वह उस गूंगी मछली की खूबसूरती देख बहुत ही जलती थी और हमेशा उसे फटकार लगती रहती थी, लेकिन वह गूंगी मछली कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, एक मछुआरा ताला मछली पकड़ने के लिए आया। तब उस गूंगी मछली ने उसे देख लिया और सभी मछलियों को सावधान करने के लिए जाने लगी। वह अपनी बात इशारों से सबको समझाने लगी, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी मछुआरे ने तालाब में बंसी फेंका जिसमें चारा लगा हुआ था। वह तुरंत समझ गई कि यह मछुआरे की चाल है। रानी मछली चारे को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा है। गूंगी मछली रानी मछली को धक्का देकर चारे से दूर कर दिया। रानी मछली को बहुत गुस्सा आया। तू फिर आ गई यहाँ, गूंगी कही कि चल जा यहाँ से, दोबारा नजर आई तो जान से मार दूंगी। रानी मछली ने उसे डांट कर वहां से जाने को कहा और चारे को खाने चली गई। चारा खाते ही उसके मुंह में बंसी का कांटा फंस गया और वह छटपटाने लग गई। अरे वाह, कितनी सुंदर मछली फंसी है। आज तो खाना खाने मजा आ जाएगा। वाह क्या बात है, इसे बेचूंगा तो पता नहीं कितनी कीमत मिलेगी। बड़ी सुंदर मछली मिली है आज, वाह क्या बात है। गूंगी मछली को यह देखा न गया। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत मछुआरे के हाथ पर काट लिया। मछुआरे के हाथ से बंसी छूटकर तालाब में गिर गई। नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मछली, नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद रानी मछली को बचा लिया गया। रानी मछली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गूंगी मछली से माफी मांगी और सभी मछलियां खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।